हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। बहुत दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे, अब कोशिश करेंगे तुम्हारा सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए वीडियो लाएं। और वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर किया करो, ठीक है ना। लाइक और कमेंट करते हो तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तुम लोग लाइक नहीं करते थे ना ही कमेंट करते थे कि वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है। इसलिए वीडियो बनना धीरे धीरे क्या होता है, मोटिवेशन बंद होकर बंद हो जाता है, ठीक है ना। तुम अगर वीडियो को लाइक कमेंट करते रहो और शेयर करो अपने सारे दोस्तों में और चैनल सब्सक्राइब करोगे तो वीडियो बनता रहेगा, ठीक है। और वैसे ही बनेगा, कोशिश करेंगे। तो अभी तो हमने 3.5 कंप्लीट कर लिया है, ठीक। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग 3.6 डिविजिबिलिटी रूल पे है। इससे पहले मैंने डिविजिबिलिटी रूल का एक वीडियो बनाया था एनिमेटेड वाला, जिसमें 2, 3 और 4 के बारे में बता चुका हूँ। उसके आगे का जो भी है वो सारा मैं बना के तुम्हें कुछ दिन में दे दूंगा। अभी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, तो कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0, 1, 0, 2, 4, 6 और 8 आता हो, किसी भी नंबर के अगर लास्ट में 0, 2, 6 और 8 आता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब वो 2 से डिवाइड होने बाद उसका रिमाइंडर 0 आएगा, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कोई नंबर लेते हैं 3, 4, 7, तो इसके लास्ट में 7 है तो ये यहाँ पर वो नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर यही इसके लास्ट में 2 होता तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ मैंने तुम्हारे सवाल निकाल लिए, इन्हें करना है, बाकी तुम लोग खुद से कर लेना। तो यहाँ लास्ट में 0 है तो यानी इट इज डिविजिबल बाय 2, यानी ये 2 से डिविजिबल है। इसके लास्ट में 5 है तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इसके लास्ट में फिर 4 है ना, और 4 इसमें आता है तो इट इज डिविजिबल बाई 4, सॉरी 2, सॉरी 2, यहाँ भी 2 ना, 2 डिविजिबल बाई 2, 2 से चक्कर है ना। ओके, समझ में आ गया। चलो इसे नोट कर लो, फिर करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड में क्या कर रहे हैं, टेस्ट द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ द फॉलोइंग बाई 3, मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल होंगे कि नहीं। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, ये कहता है सम ऑफ नंबर, सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर, सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर, इफ सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3, देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। अगर तुमने एनिमेटेड वर्ड देखोगे तो ये सब तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो कहना क्या चाहता है, तुम्हें समझा दूं, उसमें ये लिखा है सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर, डिजिट सॉरी ऑफ नंबर, किसी नंबर के अगर डिजिट का सम करते हैं अब वो 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो पूरा नंबर क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। इस बात को समझो, इसका ए करते हैं ना, ए करके समझाता हूँ तुम्हें। ए वाले में क्या है, 240, तो तुम इसके सारे डिजिट क्या है यहाँ पे, 240 भैया याद रखना, 0 से लेके 9 तक ये डिजिट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 वो सब क्या होते हैं, डिजिट होते हैं, उसके ऊपर डिजिट नहीं होंगे। तो यानी सम ऑफ डिजिट करेंगे, सम ऑफ डिजिट्स तो क्या है 2 + 4 + 0, ठीक। ये करें, ये कितना आ गया, यह है 6, और 6 3 से डिविजिबल है ना, 3 से डिविजिबल है तो 6 इज डिविजिबल बाई 3। भाई 3 से डिविजिबल है ना 6, 3 से डिवाइड करोगे तो 2 आता है ना, 3 × 2 = 6 होता है, ये डिवाइड हो सकता है ना, रिमाइंडर थोड़ी आता है इसमें, यही मतलब है डिजिटल का, रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो 240 भी क्या होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। चलो इसको ये देखते हैं, सी वगैरह है, इसे नोट कर लिया ना, नोट कर लेना, वीडियो पॉज करके, वीडियो रोक के पॉज करके नोट कर लिया करो। सी वाला क्या है, 8, 1, 4, 6, यहां करते हैं सम ऑफ डिजिट, यानी 8, 1 + 4 + 6 सबको ऐड कर लिए तो ये कितना हो गया, 10 और यह 19 तो है, 10, 11, 8, 19, तो 19 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, 19 3 की टेबल में आता है, नहीं आता है, 19 3 की टेबल में नहीं आता है, 90 इज Not divisible by 3, तो ये पूरा नंबर जो है वो divisible नहीं होगा।
ओके समझ में आ गया। बाकी जो बच गए वो तुम्हारे लिए होमवर्क, खुद से करोगे। मैं तुम्हें एक इसमें बता देता हूँ, इसको करके मुझे कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में इसको करके तुम मुझे लिख के दोगे कि ये डिविजिबल है कि नहीं है। ओके डिविजिबल है कि नहीं है। ओके चलो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलो देखते हैं थर्ड, यहाँ क्या चेक करना है हमें, फोर का। तो फोर के क्या होता है, लास्ट के टू डिजिट देखते हैं, लास्ट के टू डिजिट। जैसे टू में लास्ट के लास्ट वाले देखते थे डिजिट, इसमें लास्ट की टू देखेंगे, ठीक है ना। अगर ये पूरा डिविजिबल है, यानी अगर 64 इज डिविजिबल बाई फोर, चेक करेंगे लास्ट के दो डिजिट अगर डिविजिबल है फोर से, तो पूरा नंबर डिविजिबल होगा फोर से। चेक करो 64 डिविजिबल होता है कि नहीं होता है, मुझे बताओ जरा। अगर तुम लोग को चेक करना है 64 होता है कि 1 4 2 4 4 जा 60 24 6 4 जा 24 होता है ना, तो ये तो है डिविजिबल। तो ये पूरा नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल हो और 4 से डिविजिबल होगा, डिविजिबल बाई 4। ओके बात समझ में आ गई, पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल आई हो जाएगा 4। अब यहां चेक करते हैं 77 इज नॉट डिविजिबल, हमें यहां पे लास्ट के टू डिजिट देखनी है, जो 77 तो ट्राई कर लो, डिविजिबल नहीं होगा बाई 4। तो ये पूरा नंबर जो है इज नॉट डिविजिबल बाई 4। बात समझ में आ गई, 77 नहीं डिवाइड होता ना, देख लो एक बार करके, एक डाउट है तो। 71 4 4 आ गया कितना हो जाए 3 37 और 4 9 36, मतलब ये 1 बस गया, रिमाइंडर आ गया, यहाँ रिमाइंडर 0 तो है नहीं है, तो बस ये हो गया, ठीक है ना। तो मुझे तुम ये बताओ क्या 300 क्या ये डिविजिबल होगा, ये तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। ओके चलो इस देखते हैं थर्ड पे, किसका है ये, सॉरी फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हमें चेक करना है डिविजिबिलिटी ऑफ 5। देखो 5 पे तो बहुत आसान है, अगर लास्ट में 0 और 5, 0 एंड 5 या 0 और 5 इनमें से कोई एक नंबर आता है लास्ट में, तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। मान लिखते हैं 255 लास्ट में 5 आ रहा है, या 265 लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 से डिवाइड होगा। कितना भी बड़ा नंबर हो लास्ट में 0 आ रहा है, डिवाइड होगा। लास्ट में 5 आ रहा है, डिवाइड होगा। अगर इन दोनों के अलावा कुछ भी आता है, कुछ भी आता है, तो डिवाइड नहीं होगा। जैसे ये, तो यहाँ लास्ट में 0 है, तो इट इज़ डिविजिबल बाई 5। यहाँ लास्ट में 2 है, देखो इससे पहले 5 मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब नहीं है, सिर्फ लास्ट डिजिट देखनी है। यहाँ लास्ट में 2 है, इससे पहले क्या मुझे मतलब नहीं है, इतना बड़ा नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। अगर वही समझो यहाँ लिखा होता इसी नंबर में ये होता, तो ये डिवाइड हो जाता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में फिर 5 हो जाता है। बात समझ में आ रही है। चलो अब इस वीडियो को ये कंप्लीट करते हैं, बाकी जो भी है मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के तुम्हें दे दूंगा। ओके तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलूँ, कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।